नमस्कार, मैं अखिल कुमार। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत देखा जा रहा है। जानवर जब अपने टेम्पो पर बैठकर निकला तो उसका रास्ता एक काले चश्मे पहने युवक ने रोक लिया। यह देखकर जानवर बहुत हिंसक हो गया और उसने अपनी टुकटुक से ठुक-ठुक शुरू कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सामने खड़े युवक ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया। यह देखकर जानवर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। युवक ने जानवर को आंखें भी दिखाई और असला भी, और फिर वहां से निकल गया। अब समझना यह है कि यह सब सच्चाई है या फिर हरे पर्दे का कमाल। कहीं यह कंप्यूटर पर बैठे किसी शरारती बच्चे की बदमाशी तो नहीं, या फिर ये एआई का किया धरा हो। सवाल बहुत हैं और समय कम। बकवास खत्म, काम की बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम इनसाइड एकवाई और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमने क्रिएट किया एनिमल का ये वीएफएक्स सीन। लेट्स गो। सो इस सीन को बनाने से पहले या शूट करने से पहले हमने इसका प्रीव्यूज किया था, यानी कि इसका जो बेसिक सेटअप है वो हमने पहले ही बना लिया था, उसे थोड़ा लाइट अप कर लिया था ताकि हम शूट कैसे करना है और उसे लाइट अप कैसे करना है शूट के टाइम वो देख सकें। तो उसको बनाने के लिए हमें दो चीजें क्रिएट करनी थी। सबसे पहले हमारा सेटअप एंड सेकेंडली वो मशीन गन, वो टम्पू वो जो भी है, तो टुक टुक वो बकरी चीज, वो जो भी है, वो मुझे नहीं पता, बकरी पे शेर लगा रखा है, वो जो भी मुझे नहीं पता, वो क्रिएट हमने किया। तो कैसे किया है अभी बता देते हैं आपको, अभी बता देते हैं। सो सेटअप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम गए ब्लेंडर के अंदर और वहां पर जाकर हमने क्रिएट किया एक प्लेन शिफ्ट ए की मदद से। और प्लेन क्रिएट करने के बाद हमने एडिट मोड में जाकर कुछ एजेस एक्सट्रूड किया, उसके लिए हम टैब दबाएंगे और एडिट मोड में गए और वहां पर एक्सट्रूड किया हमने एक्सट्रूड टूल से, जिसका शॉर्टकट है ई। और एक्सट्रूड करने के बाद हमने क्रिएट किया बेसिक सेटअप। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी सेटअप या फिर कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं या मॉडल कर रहे हैं ब्लेंडर के अंदर, तो उससे पहले आप एक रेफरेंस जो है वो जरूर रख लीजिए ताकि आपको स्केल का जो है पता रहे, उसका साइज एग्जैक्टली क्या है। यूजली जो ब्लेंडर का जो बॉक्स है उसका साइज 3 फीट होता है, तो आप एक ह्यूमन मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं जिसको आप अपने सेटअप में रख के और उसके अकॉर्डिंग, उसके पर्सपेक्टिव या उसके रेशियो के अकॉर्डिंग बाकी सब चीजों को आप मॉडल कीजिए। एक प्रो टिप है वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए फ्रॉम लेजेंड्स। सो बेस मॉडल क्रिएट करने के बाद हमें कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि टेबल्स, डोर्स, लैंप्स और ऐसे जो प्रॉप्स हैं जिससे कि हम पूरे सीन को भर सकें। तो उसके लिए आप जा सकते हैं स्केचफैब या फिर क्विक्सेल मेगा स्कैन पर और वहां पर बहुत ही अमेजिंग मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन सबको आप डाउनलोड कर लें। एंड डाउनलोड करने के बाद FBX मॉडल्स हैं, तो हम जाएंगे ब्लेंडर में इंपोर्ट में और फिर इंपोर्ट FBX और वहां से मॉडल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और जो भी मॉडल आप सिलेक्ट करते हैं उसे आप एक न्यू कलेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद आप मॉडल को सिलेक्ट करें और जहां भी उसे प्लेस करना है वहां पर शिफ्ट और राइट क्लिक जब आप करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो सेट हो जाएगा उस लोकेशन पर। फिर आप शिफ्ट एस दबाएं और सिलेक्टेड टू कर्सर सिलेक्ट करें, जिससे कि आपका जो मॉडल है वो पहुंच जाएगा जहां पर आपका कर्सर है वहां पर। फिर आप पोजीशन, रोटेशन और स्केल सेटअप कर सकते हैं अपने मॉडल का, जिसके लिए कि आप यहां ऊपर जाकर जो गिज्मोस है उसे ऑन कर सकते हैं, पोजीशन, स्केल और रोटेशन को। इसी तरीके से हम गैलरी के अंदर एक वुडन रेलिंग जो उसे ऐड कर लेंगे, लैंप्स को ऐड कर लेंगे, पेंटिंग्स को ऐड कर लेंगे, कुछ टेबल्स को ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर फ्लावर वास जो है उन्हें ऐड कर लेंगे, प्रॉप्स को ऐड कर लेंगे। सो ये सभी मॉडल्स ऐड करने के बाद अब समय है टेक्सचरिंग करने का, सीन को टेक्सचर देने का, कलर देने का, ताकि वो बेहतरीन दिख सके। यूजुअली जो मॉडल्स आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं उसका टेक्सचर्स पहले से ही आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, बट अगर वो नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्विक्सेल मेगा स्कैन से टेक्सचर्स, वहां पे टेक्सचर्स आपको बेहतरीन टेक्सचर्स मिल जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड करके और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए आप अपने मॉडल को सिलेक्ट करें और यहां पर शेडर टैब में जाएं और वहां पर जाके आप एक न्यू मटेरियल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मटेरियल पहले से ही बना हुआ है तो प्रिंसिपल BSDF में आपको सभी जो मैप्स और जो सभी टेक्सचर्स हैं उन्हें कनेक्ट करना है। उसके लिए आप प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएं और फोल्डर सिलेक्ट कर लें जहां पर आपके टेक्सचर्स रखे हुए हैं, उन सबको सिलेक्ट करें और ओके दबाएं और आपके जो टेक्सचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपने उन्हें चेंज करना है, रिसाइज करना है, तो कंट्रोल टी दबा सकते हैं आप किसी भी टेक्सचर को सिलेक्ट करके, एंड ये ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे। आप यहां से स्केलिंग जो है उसे रीसेट कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपके टेक्सचर्स सही तरीके से नहीं दिख रहे हैं तो आप एडिट मोड में जाकर अपने फेसेस को सिलेक्ट करके या फिर ए दबाकर सारे मॉडल के फेसेस को सिलेक्ट करके यूवी में जाएं और वहां पर स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करके ओके दबा दें, जिससे कि आपके टेक्सचर्स मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि वो सेट हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए अब सब चीजें तो यहां नहीं बताई जा सकती, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है डिटेल समझाना। आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, देख लेना स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप डिटेल में VFX सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए इनसाइड स्टूडियो फिल्म मेकिंग, जहां पे लेजेंड्स खुद आपको सिखाएंगे, समझे। आगे चलते हैं। सो टेक्सचरिंग करने के बाद
अब समय है लाइटिंग करने का, बिकॉज सीन में अगर लाइट ही नहीं होगी तो सीन अच्छा नहीं दिखेगा, सीन दिखेगा ही नहीं। तो चलिए लाइटिंग करते हैं। सो सेटअप को लाइट करने के लिए हमने वैसे तो जो लैंप्स वहां पर रखे थे उन्हें एमिशन जो है वो दे दी, उनके टेक्सचर को एमिशन जो है वो दे दी, और उसके अलावा जो रूफ है उसके अंदर हमने ऐड की सीलिंग में एक लाइट, तो फेसेस को सिलेक्ट किया और न्यू टेक्सचर बनाकर उसे असाइन किया और उसमें भी एमिशन लगा दी, जिससे कि लाइट जो है वो सीन के अंदर ऐड हो गई। बट इन लाइट से काम चलेगा नहीं, हमें कुछ और लाइट्स भी ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने पॉट लाइट्स और एरिया लाइट्स जो है वो क्रिएट की शिफ्ट ए दबाकर, और इन लाइट्स की इंटेंसिटी और टेम्परेचर को सेट किया और अपने सीन में अलग अलग जगह पर प्लेस किया। हमारा जो थीम था उसके अकॉर्डिंग हमने बैकग्राउंड में ब्लू कलर की लाइट्स, थोड़ी कूल कलर की लाइट जो रखी, और सामने जो है वार्म कलर की लाइट्स हमने प्लेस की। और आर्टिस्ट पर वो कैसे लगेंगी, उसके लिए हमने जैसे बताया एक डमी ह्यूमन मॉडल हमने अपने सीन के अंदर प्लेस किया हुआ था सभी जगह पर, सभी ब्लॉक्स में, तो उसे आप भी प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भी अपने सीन में प्लेस करके लाइटिंग देख सकते हैं कि जब आप शूट करेंगे तो लाइटिंग आर्टिस्ट के ऊपर कैसी आपको रखनी है या फिर आपका आर्टिस्ट कैसा दिखेगा सीन के अंदर। प्रो टिप वीएफएक्स की लेवल। सो ये सब करने के बाद हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है। अब समय है वो मशीनरी बनाने का, वो दर्र बनाने का, वो टुक टुक बनाने का, वो टेम्पो बनाने, वो जो भी है मुझे नहीं पता है वो क्या है, आप उसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्या चीज है वो बताएं, हम भी तो जरा जाने वो है क्या यार। सो ये मशीन बनाने के लिए हमने कॉल किया मेरे दोस्त रणबीर को, लेकिन वो शूटिंग पे बिजी था तो उसने मेरा फोन उठाया नहीं। शायद वो ब्रह्मास्त्र 2 या फिर एनिमल पार्क की शूटिंग कर रहा होगा, मुझे लग ही रहा था कि वो शूट पे होगा। तो मैंने फिर अपने दूसरे दोस्त अपने जिगरी भाई बॉबी को कॉल किया, बॉबी ने कॉल उठा लिया लेकिन वो कुछ बोला नहीं, पता नहीं वो क्यों नहीं बोला। पीछे से लेकिन किसी की आवाज आई थी, मेरा भाई गूंगा है ऐसा कुछ आवाज मुझे आई, और ऐसे भी मेरे को सुनने को मिला और ऐसे भी, तो मुझे लगा शायद फोन पर मेरी बात बनी कि नहीं, मुझे ऑनलाइन ही जाकर जो है रेफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। तो ट्रेलर और इंस्टाग्राम से कुछ रेफरेंसेस हमने निकाले कि वो मशीनरी दुर्र और वो जो जो भी है वो दिखती कैसे है, और रेफरेंसेस निकालने के बाद समय था उसे मॉडल करने का। तो चलिए उसे मॉडल करते हैं। सो मशीन बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए होगा, तो स्केचफेब पर हमें मिली है टुकटुक, ये ऑटो रिक्शा जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही है उससे, बिल्कुल सेम लग रही है। देखिए ऑटो मेड इन इनसाइड है, ये मेड इन इंडिया भी है लेकिन मेड इन इनसाइड है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इनसाइड टुकटुक ऑटो, आप यूज करें। और ये एक बेस मॉडल है, इसके बाद हमें इसके जो पुर्जे हमें नहीं चाहिए, जो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए उन्हें हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे और उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को। तो उसके लिए हमने डाउनलोड किया कुछ और मॉडल्स, जैसे कि मशीन गन का ये मॉडल जिसकी की बैरल को हम यूज करेंगे, और इसको डुप्लीकेट करने के लिए हम इस बैरल को सेपरेट करते हैं और एरे मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हमने इसे डुप्लीकेट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद हमें इंजन को जो है वो ऐड करना है, तो इंजन भी हमने स्केचफेब से डाउनलोड किया और पार्ट्स को हमने निकाल कर असेंबल किया अपने मॉडल के अंदर। और गोलियों का जो पट्टा है उसे बनाने के लिए हमने एक सिंपल गोली का एक पार्ट बनाया और फिर उससे हमने डुप्लीकेट कर दिया एरे मॉडिफायर से, और कर्व मॉडिफायर की मदद से हमने उसे ऐसे एक शेप दे दी जैसी शेप हमें चाहिए थी। So, इसे आप मशीन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। और ये रिमाइंडर है कंट्रोल एस दबाने का दो की जिंदगी की, ताकि आप प्रोजेक्ट सेव कर लें और प्रोजेक्ट क्रैश ना हो जाए। थोड़ा यार कंट्रोल एस वगैरह दबा लिया करो, सेव कर लिया करो प्रोजेक्ट को, आदत बना के रखो इन चीजों की, समझे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रो लेवल टिप्स है ये, तो मैं नहीं पता इन चीजों का, मैं बता रहा हूँ ना, समझे। जादू होता है, जादू टोना होता है, मैजिक होता है, वीएफएक्स होता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं डिटेल में सब वीएफएक्स, तो जैसे मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। हमारा इंस्टीट्यूट भी है, मुझे नहीं पता आपको पता कि नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है हमारा इंस्टीट्यूट है, और मैं उसी इंस्टीट्यूट में भी बैठा हूँ। सेट लगाओ पीछे, आइए आप भी सेट लगाइए और शूट कीजिए, सीखिए शूट करना, वीएफएक्स करना, और बॉबी से आपकी बात करवाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो मडगार्ड है उसको बनाने के लिए हमने एक सिलेंडर का यूज किया और बुलियन का यहाँ पर यूज किया, बुलियन मॉडिफायर का यूज किया, ताकि मॉडल कर सके हम उस मडगार्ड को। और जो पीछे सीट के पीछे जो लीवर लगा है उसको हमने मशीन गन के ही हिस्से को यूज किया है, तो ये सब जो है जुगाड़ लगाकर हमने ये सब चीजें बनाई है। देखिए इंडिया में जो है जुगाड़पंथी चलती रहती है, और इंजीनियर्स क्या है, बीटेक ड्रॉप आउट है, जुगाड़पंथी समझते हैं, ऐसे नहीं कि पूरी कर ली, पूरी कर लेते तो मशीन असली बना लेते, लेकिन वीएफएक्स से बनानी पड़ रही है, समझा करो ना यार। इसके बाद समय था टायर में जो है वो रिम लगाने का, अलॉयज लगाने का, तो हमने अलॉयज जो है वो एग्जैक्टली हमें बनाने पड़े जैसे फिल्म में है, लेकिन देखिए मैं पर्सनली मुझे अलॉयज पसंद नहीं आए, आप बताएं आपको क्या वो अलॉयज पसंद आएगा, उससे बढ़िया अलॉयज हो सकते थे यार, अच्छे बढ़िया अलॉयज लगा दे, क्या यार वो मैं कह दो रहा हूँ, वो टुक टुक वो टेम्पो जो वो थोड़ा जुगाड़ देसी कर दिया काम यार, थोड़ा थोड़ा डिटेल हो सकता था उसमें, अच्छे रिम लग सकते थे, कमेंट करके बताएं लग सकते थे कि नहीं लग सकते थे, लग सकते थे ना, लग सकते थे,
लग सकते थे। इसी तरीके से हमने जो है लाइट्स ऐड की अपनी मशीन के अंदर, और जो सामने वो विंडशील्ड है वो क्रिएट की एक प्लेन की मदद से, उसे एक्सट्रूड करके और फेसेस को जो है रीशेप करके, रीसाइज करके। और सबसे महंगी चीज जो इस मशीन में लगी हुई है वो है इसका स्टेयरिंग। ये लैम्बरगिनी का स्टेयरिंग है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी कॉस्टली स्टेयरिंग इन रियल वर्ल्ड, बट VFX वर्ल्ड में इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम सॉरी टू से, बट ये मशीन बहुत महंगी बनी है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये आपको स्केच फेब पर मिल जाएगी। मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ स्केच फेब पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर इसे बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ $500, ज्यादा महंगी मैंने इसको नहीं रखी है। लेकिन आप इसे लिमिटेड टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $500 के अंदर। No discount. It's a gem, bro. It's a gem. Free में नहीं दे सकते, सस्ते में नहीं दे सकते। ये महंगी चीज़ है, सस्ती है। वैसे $500 आपके लिए क्या चीज़ है, आप तो बहुत ही यार अमीर आदमी, कमाल आईफोन लिए बैठे। अगर आईफोन नहीं है तो कमेंट कीजिए, आईफोन नहीं है, इडनी है। सो हमारा सेटअप रेडी है, मशीन रेडी है, अब समय है जो फ्रेमिंग हमें करनी है अपने वीडियो के लिए। तो हमने कुछ फ्रेम्स जो है वो निकाले, स्टोरी बोर्ड एक रफ क्रिएट किया और विजुअल्स क्रिएट किए ताकि हम शूट पर उनका यूज़ कर सकें एज रेफरेंस। तो ये हैं वो फ्रेम्स, इन्हें क्रिएट करने के बाद अब समय है शूट करने का। तो चलिए देखते हैं शूट किस तरीके से किया गया। राम राम लादर, ये क्या था, गाड़ी रोकेगा। सो शूट किया हमने वीडियो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। सो हमने अपनी ग्रीन स्क्रीन जो है वो सेटअप की, और आर्टिस्ट का सबसे पहले हमने मेकअप किया, बिकॉज चोट के निशान जो आर्टिस्ट के फेस पर दिखाने थे। फेस वैक्स हमने यूज़ किया ब्लड बनाने के लिए, क्योंकि ब्लड का भी जो है काफी उसके अंदर यूज किया गया। ब्लड बनाने के लिए आप चॉकलेट सिरप यूज कर सकते हैं, और हमने फूड कलर चॉकलेट सिरप के अंदर यहाँ पर मिलाया और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे किया हल्का सा पतला, और ये देखिए बन चुका है बेहतरीन ब्लड। इसे हमने कुर्ते पर लगाया और आर्टिस्ट के चेहरे पर लगाया। इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज भी जो है वो आर्टिस्ट ने पहनी है। जो गन चलाने वाला आर्टिस्ट है उसने एक घड़ी पहनी है, अगर आप देखेंगे तो वो 3.5 लाख रुपए की घड़ी है, आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही कॉस्टली घड़ी है। मुझे नहीं पता वो 3.5 लाख या 3,500 या पता नहीं 350, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट 3.5 उसमें कुछ था। बाकी आप अंदाजे लगा सकते हैं आपके हिसाब से कितने घड़ी, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड जो दूसरी तरफ जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो वो बुलेट्स को ऐसे रोकते हैं, उन्होंने एक चेन पहनी हुई है जो कि 50 तोले की चेन है। वो दिखने में सिल्वर है बट वो एक्चुअल में जो है वो प्लेटिनम है। सो उसका जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 35 लाख रुपीज और मे बी 350 फ्रॉम चोर बाजार, आई डोंट नो, मुझे रियलिटी पता। आपको क्या लगता है हम कहाँ से लाए हैं, वो लाए हम सुनार से या चोर बाजार से, या कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। अपनी राय रखते रहें, देखिए कमेंट्स करना बहुत जरूरी है, आप अपनी राय रखते रहें, मैं जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो आर्टिस्ट रेडी होने के बाद हमें मशीन का एक सेटअप लगाना था जहां पर आर्टिस्ट बैठ के उसको परफॉर्म कर सके, एक्टिंग कर सके। उसके लिए हमने स्टूल को यूज किया सिंपल सीट बनाने के लिए, और सामने एक माइक के स्टैंड पे कुछ डंडियां लगाकर उसे ग्रीन कलर की टेप और ग्रीन कलर का चार्ट पेपर लगाकर हमने प्लेस किया ताकि वो हैंडल बन सके। ये हैंडल मुझे दिखाया जाए, लाए भाई, ये है वो हैंडल जिसका हमने इस्तेमाल किया। सो सेटअप लगाने के बाद हमने लाइटिंग की। लाइटिंग के लिए एक वार्म लाइट को हमने यूज किया की लाइट के लिए, जो कि आर्टिस्ट के फेस पर उन्हें लाइट अप करेगी। एंड एक ब्लू लाइट को हमने यूज किया फिल लाइट के तौर पर, जिससे कि ये थोड़ी सी एज पर ब्लू डिटेल आ जाए, बिकॉज बैकग्राउंड में ब्लू कलर हमने प्लेस किया था। इसके अलावा एक एम्बिएंट लाइट हमने यूज की ओवरऑल सीन के अंदर, जिससे कि डिटेल रहे सीन के अंदर, नॉइज ना आए और जो हमारी फुटेज है वो क्रिस्प शूट हो। शूट हमने दो तरीके से किया, एक हमने ट्राइपॉड पे और गिम्बल पे। ट्राइपॉड पर शूट करने के लिए सिंपली बस आपको एंगल और पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है, तो उसके लिए आप फोकल लेंथ देख सकते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी रखी थी, उसी फोकल लेंथ का आप लेंस चूज कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास लेंस है उसी फोकल लेंथ के लेंसेज आप सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं जैसे आपको सही लगे। एंड पर्सपेक्टिव एंगल जो है आप देखें, तो हमने जो हमने रेफरेंसेज निकाले थे वो यहाँ पर काम आए, और एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव जैसा हमें चाहिए था हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना कैमरा प्लेस किया और शूट किया। ट्राइपॉड के अलावा कुछ शॉट्स हमने गिम्बल पर भी लिए हैं, उसके लिए हमें ट्रैकर मार्क्स ग्रीन स्क्रीन पर लगाने पड़े, बिकॉज कैमरा मूव करेगा तो उसे ट्रैक भी करना पड़ेगा। और मशीन के लिए भी जैसे आप देख सकते हैं हमने एक बॉक्स जो है यहाँ पर प्लेस कर लिया था, जिस पर हमने ट्रैकर मार्क्स लगाए, काफी बॉक्सेस एक्चुअली हमने यूज किए ताकि हम मशीन की शेप जो है वो बना सकें। और कोशिश करें कि जो ट्रैकर मार्क्स आप पीछे लगाएंगे ग्रीन स्क्रीन पर वो आर्टिस्ट से इंटरेक्ट ना करें, थोड़ा बाहर रहें ताकि आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा शटर स्पीड थोड़ी तेज रखें कैमरा की, यानी 1/300 के आसपास आप रख सकते हैं या फिर उससे ज्यादा रख सकते हैं, ताकि मोशन बर्न आए, ग्रीन स्क्रीन सफाई से कट सके और ट्रैकर मार्क्स भी ब्लर ना हो जब आप मूव कर रहे हैं। और डेप्थ ऑफ फील्ड जो है उसे डीप रखें, शैलो ना रखें, ब्लर ना रखें ज्यादा, आप F3.0 या 2.8 या उससे ज्यादा ही ऑफ कोर्स आप शूट करें, कम ना रखें। अगर ब्लर हो जाएंगे ट्रैकर मार्क्स तो शायद ट्रैकिंग में आपको दिक्कत हो। ये कुछ सेटिंग्स हैं, और देखिए बहुत ही डिटेल होती है VFX में, काफी चीजें होती हैं, इफ्स एंड बट्स होते हैं, उसके लिए
प्रो वीएफएक्स के कोर्सेज हमने डिजाइन किए हुए हैं, बिकॉज वहां पर बैठ के मैं तसल्ली से समझा पाता हूँ। ये तो सिर्फ एक ट्यूटोरियल है, इसमें मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, बिकॉज मुझे घर भी जाना होता। अभी समय अगर मैं आपको बताऊँ तो घड़ी नहीं है। सो शूट करने के बाद अब समय है फुटेज को एडिट करने का और उस पर सभी वीएफएक्स अप्लाई करने का, विजुअल इफेक्ट्स करने का। तो उसके लिए हम अपनी फुटेज को बेस कट बनाते हैं प्रीमियर में, उसे लेके जाते हैं आफ्टरवर्ड्स में। सभी शॉट्स आफ्टरवर्ड्स में आने के बाद हम लोग न्यू कॉम्पोजिशंस क्रिएट करते हैं शॉट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, न्यू कॉम्प्स बनाकर, और ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं, जिसका डिटेल ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने पहले ही बना लिया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप कैमरा ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो हमें ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी और कैमरा को ट्रैक करना है, और अब जो हमने कैमरा ट्रैक किए हैं उन्हें हम लेकर के जाएंगे ब्लेंडर में, और वहां पर हम अपने सीन के अकॉर्डिंग, अपने शॉट के अकॉर्डिंग सभी फ्रेम्स को रेंडर करेंगे, अपने आर्टिस्ट से सारी जो एनिमेशन है और जो लाइट्स हैं उन्हें मैचअप करेंगे। सो ब्लेंडर में आने के बाद हम अपने कैमरास को करेंगे इंपोर्ट। उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद कैमरास को हमें सीन के अकॉर्डिंग प्लेस करना है। उसके लिए आप जो कैमरा के साथ नल आता है, इस नल के थ्रू जो है अपने कैमरा को कंट्रोल करें और उसे पोजिशन और रोटेशन करके अपने सीन के अकॉर्डिंग सेट कर ले। स्केल भी आप यूज कर सकते हैं अगर उसका स्केल सेट नहीं है तो। एंड प्लेस करने के बाद अपने सीन के अकॉर्डिंग आप जो कैमरा है उसके अंदर फुटेज को इंपोर्ट कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो ग्रीन स्क्रीन हटाई हुई फुटेज को आप इंपोर्ट करें अपने कैमरा के सेटिंग्स में जाकर, अपने सीन के सेटिंग्स में जाकर, और अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो फुटेज है वो आपके सीन के सामने आपको दिख रही है। इसके बाद हमें बस एनिमेशन करनी है अपनी मशीन की। तो आप अलग अलग पार्ट्स को सिलेक्ट करें और उन्हें नल से पेरेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर सकते हैं, जिसे आप हाइड कर दें ऑफकोर्स, और उससे एनिमेट कर लें कि फ्रेम्स लगाकर आई की दबाकर, यानी कि आई फॉर इंडिया दबाकर, आप आई फॉर इनसाइड दबाकर आप की फ्रेम्स लगा सकते हैं ब्लेंडर के। सो आप की फ्रेम्स ऐड करें एंड एनिमेट कर लें अपनी मशीन को। इसके अलावा कुछ लाइट्स भी हमने ऐड की थी जो हमारी मशीन है उसके सामने, ताकि जब मजल फ्लैश से हम लगाएं तो वो फ्लिकर जो है लाइट का वो आए। और ये सब सेटिंग्स करने के बाद हम करेंगे कैमरा की सेटिंग्स, और उसके लिए हमें डेप्थ ऑफ फील्ड और मोशन ब्लर यहाँ पर बेसिकली ऑन करना है अपने सीन का, ताकि हमारे सीन के अंदर जो कैमरा है वो ब्लर कर सके बैकग्राउंड को एंड मोशन ब्लर आ सके जहाँ पर भी एनिमेशन है वहाँ पर। आउटपुट की सेटिंग्स में आप जाएं और लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करें जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट के लिए आप ओपन EXR फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने मल्टी सोर्स यहाँ पर सिलेक्ट किया था, बिकॉज हमें बहुत अलग अलग तरह के पासिस चाहिए थे, जिसमें कि हमें डिफ्यूज शेडो ऑक्लूजन और मिस्ट पास चाहिए था, ताकि बाद में हम उसे कंपोजिट कर सकें आफ्टर इफेक्ट के अंदर। इसके बाद VFX आर्टिस्ट का सबसे बेस्ट टाइम आता है जो कि है रेंडर, बिकॉज वो कंप्यूटर करेगा और आप लोग चिल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, बिकॉज रेंडर लगा हुआ है। और क्या कर सकते हैं रेंडर लगाओ दोस्त, ब्लेंडर का रेंडर, धुएं निकल जाते हैं पीसी के, रेंडर निकलते हैं, ज़्यादा हैवी ना करें सीन को, टेक्सचर जो लाइट रखें, 4K 4K नहीं, फुल HD टेक्सचर ठीक रहते हैं। काफ़ी टिप्स हैं, काफ़ी ट्रिक्स हैं मेरे पास, लेकिन एकदम से मेरे पास आती नहीं है दिमाग में, तो जो जो भूल जाऊँ उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन जो जो बता रहा हूँ उसके लिए मुझे थैंक्स जरूर बोल देना कमेंट सेक्शन में कि थैंक यू भाई ये सब बताने के लिए। सो हमारे शॉट्स हो चुके हैं रेंडर, अब हम इन्हें लेकर के जाएंगे आफ्टरवर्ड्स के अंदर। सो हम इंपोर्ट करेंगे अपनी एक्सेल फाइल्स को आफ्टरवर्ड्स में। इंपोर्ट करते हुए आप सिलेक्ट सीक्वेंस के ऑप्शन को यहाँ पर जरूर सिलेक्ट कर लें और स्विच ऑन कर लें यहाँ पर क्रिएट प्रीकॉम्प और कॉन्टैक्ट शीट को, जिससे कि आपको दिख जाएगा कि आपके पास कौन सा पास जो है वो निकला है एक्सेल फाइल के अंदर। एक्सेल फाइल को जब आप यूज करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सट्रैक्टर इफेक्ट लगाएगा, नहीं है तो आप एक्सट्रैक्टर इफेक्ट लगा सकते हैं और यहाँ पर डिफ्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी और पास सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अप्लाई करना है अपने सीन। अब इस पास के ऊपर आप लगाएं एक्सपोजर इफेक्ट और लुमेट्री कलर्स, इन सब सीन को थोड़ा मैच करना है। लुमेट्री में जाकर सबसे पहले आप क्रिएटिव में जाएं और यहां पर ये EXR 2x709 कलर लगाएं, जिससे कि कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे और X709 में जो है कलर्स आपके आ जाएंगे। एंड एक्सपोजर आप कम या ज्यादा रख सकते हैं, ऑफसेट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि आप अपनी फुटेज के कलर्स को बैलेंस कर सकें अपने सीन के अकॉर्डिंग। ये सब करने के बाद आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा गॉशियन ब्लर और नॉइज इफेक्ट लगा सकते हैं, बिकॉज 3D के रेंडर्स यूजली काफी क्लीन होते हैं। इसके बाद हमने ऐड किए कुछ मजल फ्लैश जो कि हमने यूज किए थे एक्शन VFX के पैक से, जो कि बेहतरीन एसेट्स बनाए करते हैं। आप जाकर चेक जरूर करें एक्शन VFX की वेबसाइट को, काफी अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल स्टॉक फुटेजेस आपको मिल जाएंगे, पेड हैं, कुछ फ्री भी हैं, तो जाइए और यूज कीजिए बेहतरीन स्टॉक फुटेजेस। और कलर ग्रेड करने के बाद हमारी फुटेज हो चुकी है रेडी, एक बार आप पूरा सीन फिर से देख लीजिए।
इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि बहुत समय लगा रेंडर में, क्योंकि बनाया था ये सब ब्लेंडर में। और असल बात तो यह है कि आजकल फिल्मों में बहुत हिंसा चल रही, लेकिन याद रखें कि ये सब VFX है। अगर असल जिंदगी में सब करोगे तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अगर यह सुनकर कुछ याद आए तो कमेंट कीजिए, पोशंपा भाई पोशंपा। डेट इन वन टेक्निक, गोलियां चलाने के लिए तो काफी हवाबाजी करते हैं वीडियो में। चुचुंदर बंती जो है वो काफी करते हैं वीडियो में। ब्लूपर्स में लगाना है, मेन वीडियो में नहीं लगाना है इसको, समझे? बढ़िया बनाया यार, ऐसे लग रहा है वो नहीं होता जो खेत में खड़ा होता ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रो क्रो कुछ, स्केयर क्रो, इट्स अ स्केयर क्रो ब्रो। क्या लग रहा अभी? त्रिशूल लग रहा, त्रिशूल लग रहा। जय बाबे की भाई। चांदी का फिर सोने का डब्बा आता है, उसके बाद आता है हीरे का, फिर मोती, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम आता है बेटे हैं, कहता है कि डिस्प्रेशन में जा रहा तू भी। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा ऑडियंस बनने जरूरत नहीं है, ठीक है, एंजॉय मत कर ज़्यादा, सीरियसली थोड़ा भाई।